Now, but our next question is, this is a very, first of all, but this is a very, very important question. Is a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. You can see that, beta, एक ट्राइंगल है बेटा, एक सर्कल है बेटा, और यहाँ पे ट्राइंगल ने इसको सर्कल स्क्राइब किया हुआ। कोई भी फिगर बेटा का सर्कल को सर्कल स्क्राइब करते हैं तो उसके जितनी भी साइड्स होते हैं बेटा वो सर्कल को टच करते हैं। इधर सीधा देर थ्री पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड थ्री पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा, आपको ये गिवन है, ये सिक्स है, ये एट है, आपको ए बी फाइंड आउट करना है बेटा। आपको यू हैव टू फाइंड ए बी एंड ए सी। आपको बेटा ए बी और ए सी फाइंड आउट करना। अब देखो, अगर ये सिक्स है बेटा, दिस इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा आपका सिक्स। ये एट है बेटा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका एट। अब से बेटा ये वाली साइड अगर एक्स है तो ये भी कितनी हो जाएगी एक्स। तो बेसिकली अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाए बेटा तो मेरे पास ए बी भी आ जाएगा बेटा और ए सी भी आ जाएगा, राइट। तो बेटा कैसे आएगी एक्स की वैल्यू वो आप देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ फिगर, से दिस इज अ ट्राइंगल, कुछ ये आपकी फिगर है, राइट। नाउ बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दिस इज द पॉइंट विच इज डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा, ये आपका सी है, ये पॉइंट बेटा आपका ए है, राइट, और ये पॉइंट है बेटा आपका बी। क्वेश्चन में बेटा ये आपको गिवन है सिक्स, तो बी डी बेटा आपको गिवन है एट सेंटीमीटर। कितना गिवन है बेटा एट, राइट। ये बेटा जो भी फिगर थी ये आपने बना ली, राइट। तो बेटा ये जो पॉइंट है आपका, इसको हमने ले लिया बेटा एफ, और ये जो पॉइंट है बेटा इसको हमने ले लिया, राइट। अब बेटा ये सिक्स है तो ये भी कितना होगा बेटा आपका सिक्स, ये बेटा एट है तो ये भी कितना होगा आपका एट। अब बेटा हमें ए बी और ए सी निकालने के लिए हमें ये साइड निकालनी है। अगर से लेट ए इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, बेटा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू एन सर्कल, तो बेटा ये भी कितना होगा आपका x, तो ये भी कितना होगा बेटा आपका x, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कंस्ट्रक्शन, देन बेटा प्रूफ, प्रूफ में बेटा एक चीज तो क्लियर है आपको, दैट एज एज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल,
as tangent from same external point are equal. It means what, beta? It means first of all, CE will be equal to CD. और ये बेटा किसके इक्वल होगा आपका 6 सेंटीमीटर. देन बेटा BD इज इक्वल टू BF. ये बेटा किसके इक्वल होगा आपका 8 सेंटीमीटर. तो बेटा हमने फिर क्या किया, लेट AE इक्वल टू X. Let AE is equal to X. अगर बेटा AE X है तो आपका जो AF है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, X. तो बेटा AF भी क्या हो जाएगा आपका X. Then बेटा what we will do the construction. क्या करनी है बेटा आपको, से join OA. और ओ है, अगर आप ध्यान से देखो बेटा ये लाइन आपने देखी होगी, ये थोड़ा आपका स्ट्रेट नहीं आ रही. आप ये नहीं कह सकते कि बेटा ये जो है वो सेंटर से ही पास होगी. मैंने इसको जबरदस्ती बेटा पॉइंट को थोड़ा डायरेक्शन दिया. कहीं भी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि ये ऑल्टीट्यूड है. तो आप इसको, अगर ये ऑल्टीट्यूड होता बेटा फिर तो सिंपल था, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हम इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते. यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में बेटा ये गिवन नहीं है कि जो ओ ए अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये बेटा क्या होगा आपका, ये एक ऑल्टीट्यूड होगा. राइट, बेटा ओ ए को ज्वाइन कर दिया हमने, ओ सी को ज्वाइन कर दिया, ओ एफ को ज्वाइन कर दिया. राइट, एट द सेम टाइम बेटा ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इनको ज्वाइन कर दो बेटा, ओ एफ और ओए. बेसिकली बेटा जो हमारी कंस्ट्रक्शन है बेटा उसमें क्या क्या ज्वाइन किया, ज्वाइन ओई, ओई को ज्वाइन किया बेटा, ओ एफ, ओ सी, ओ डी एंड ओए. राइट, ये बेटा सारा ज्वाइन कर दिया आपने. देन बेटा as we know that as radius is perpendicular to tangent, agar beta radius jo hai perpendicular hoti hai tangent ke, to can I say that OD is perpendicular to BC and OF is perpendicular to AC. beta OD is perpendicular to BC, OF is perpendicular to AB and OE is perpendicular to AC. Right? But we can write as radius is perpendicular to the tangent, it means OD is perpendicular to BC and then OE is perpendicular to AC. The OE perpendicular to AC. Then beta OF perpendicular to AC. Beta OF perpendicular to AC. Right. Further beta OD भी बेटा रेडियस है, OE भी बेटा रेडियस है और OF भी रेडियस है. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है. क्वेश्चन में बेटा रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है. यू कैन सी दैट रेडियस 4 सेंटीमीटर. यू कैन सी दैट बेटा रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर. राइट, इट मींस यू कैन राइट, यू कैन राइट हियर दैट ओडी इज इक्वल टू ओई इज इक्वल टू ओएफ. ऑल आर रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. राइट, अब बेटा देखो एरिया आप निकालोगे क्या. अब ध्यान से देखो
यहाँ पे बेटा जो कंप्लीट ट्राइंगल है ए बी सी, इसके अंदर बेटा तीन ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर बेटा आपको वी कैन सी थ्री ट्राइंगल, वन इज ए ओ सी, अनदर इज बी ओ सी एंड अनदर इज ए ओ सी। कंप्लीट ट्राइंगल का जो एरिया है बेटा वो थ्री ट्राइंगल्स के एरिया के सम से क्या होगा, इक्वल विल बी इक्वल टू सम ऑफ द थ्री ट्राइंगल। मींस नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए बी, ओ ए सी, ओ ए बी और बेटा ओ बी सी। इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी प्लस ओ ए बी प्लस ओ बी सी, राइट। नाउ बेटा यू कैन सी दैट जो बेस है बेटा यहाँ पर वो कितना है आपका 40, जो बेस है बेटा वो कितना है 40। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, और ओ बी सी का एरिया क्या होगा बेटा हाफ, भाई ये तो आपने प्रूव कर ही दिया बेटा परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ बेटा, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो इसमें तो बेटा बेस भी है और हाइट भी है, ये बेस हो गया बेटा और ये क्या हो गया हाइट, और हाइट कितनी गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर, राइट। तो हाफ इंटू बेटा बेस, बेस कितना हो गया बेटा आपका 14 और हाइट कितना हो गया बेटा 4, राइट, प्लस हाफ। अब बेटा अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो इसका बेस कितना हो जाएगा बेटा 8 प्लस एक्स, और हाइट तो बेटा इसका भी यही होगा 4 प्लस। बेटा अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो इसका बेस कितना हो जाएगा बेटा 6 प्लस एक्स, और हाइट कितना हो जाएगा बेटा इसका भी 4, रेडियस 4 सेंटीमीटर ही है, राइट। द सेम टाइम बेटा मैं अगर एबीसी की बात करता हूँ कंप्लीट ट्राइंगल की, तो एबीसी में तो बेटा बेस और हाइट है नहीं, तो यहाँ के लिए बेटा मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे हीरोन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बेटा एबीसी के लिए बेटा ए कितना होगा, एक साइड होगी बेटा 8 प्लस एक्स, एक साइड होगी बेटा आपकी ये पूरी होगी 14, और एक साइड होगी बेटा आपकी 6 प्लस एक्स। तो बेटा हीरोन फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एस, एस क्या होगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए कितना हो गया बेटा, ए प्लस बी प्लस सी 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा 28, और एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा 2x, 2x बाय 2, क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू 2 बेटा कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 14 प्लस एक्स बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 14 प्लस, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 14 प्लस एक्स। फर्दर बेटा हीरोन फॉर्मूला के लिए फर्दर क्या करना होता है बेटा, एस माइनस ए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये जो इक्वेशन बनी है, ये जो आपकी इक्वेशन बनी है उसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, राइट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। नाउ बेटा एस माइनस ए,
एस माइनस ए क्या होगा बेटा, 14 प्लस एक्स, तो बेटा आपका एस आ गया, और माइनस ए, ए हो गया आपका 8 प्लस, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स विल बी कैंसिल आउट, ये आ जाएगा बेटा आपका 6। एस माइनस बी, एस माइनस बी कितना आ जाएगा बेटा आपका, 14 प्लस एक्स, तो बेटा एक्स, तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 14, 14 एंड 14 विल बी कैंसिल आउट बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स। देन बेटा एस माइनस सी, 14 प्लस एक्स बेटा, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 6 प्लस एक्स, अगेन बेटा एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा आपका 8, राइट, ये सारी वैल्यू आ गई बेटा। नाउ नाउ बेटा बाय हीरोन फॉर्मूला द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, फर्दर बेटा इट विल बी इक्वल टू एस, एस की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 14 प्लस एक्स, ये काम करते हैं बेटा, चलो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये हो गया बेटा 14 प्लस एक्स, एस माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, एस माइनस ए, एस माइनस ए की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 6, एस माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा एक्स, और एस माइनस सी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 8, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ गया बेटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन इक्वेशन 1, इसे पुट कर देंगे बेटा इक्वेशन नंबर बेटा, ए की वैल्यू आपकी, इट इम्प्लाइज बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू कितनी आई है, रूट ऑफ 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए कितना था बेटा 6, एस माइनस बी एक्स, ये आपकी बेटा वैल्यू इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू में देखो बेटा 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, राइट, तो 14 टू जा कितना हो जाएगा बेटा 28, प्लस 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, ये कितना हो जाएगा बेटा 8 टू जा 16 प्लस 2x, प्लस बेटा 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 6 टू जा 12, प्लस 2, ये आ जाएगी बेटा वैल्यू, राइट, बेटा फर्दर इट इम्प्लाइज इट इम्प्लाइज बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो ये हो जाएगा बेटा आपका 14 प्लस एक्स, और बेटा 8 6 जा कितना हो जाएगा 48 है, इक्वल टू बेटा 28 प्लस 16 प्लस 12, 6 2 8 8 8 16 3 4 5 56 बेटा, प्लस में कितना आ जाएगा बेटा 4 है, ये हो जाएगा बेटा आपका। फर्दर बेटा इट इम्प्लाइज ये हो जाएगा बेटा आपका 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स, यहाँ से बेटा कॉमन क्या आ जाएगा 4, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा 14 प्लस, राइट, अब बेटा ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, व्हाट वी नीड टू डू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग
बोथ राइट। तो जब बेटा आप स्क्वेयरिंग करोगे स्क्वेयरिंग करोगे बेटा तो यहाँ से स्क्वेयर रूट हट जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स। बेटा इसका स्क्वेयर करोगे 4 का स्क्वेयर तो क्या हो जाएगा 16 और बेटा ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। अब बेटा ये वैल्यू जब इधर ये प्रोडक्ट फॉर्म में बेटा यहाँ के जब डिवाइड होगी तो ये आपका जो स्क्वेयर है ये कैंसिल हो जाएगा राइट। तो फाइनली बेटा जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा 48x is equal to बेटा 16 into 14 is equal to क्या हो जाएगा बेटा 16 into 14 plus 16 48x बेटा minus 16x equal to क्या हो जाएगा बेटा 16 into 14 8 minus 6 कितना हो जाएगा बेटा 2 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 32x इज इक्वल टू बेटा 16 इंटू 14। फर्दर बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 16 इंटू 14 बाय 32। बेटा जब आप इसको कैंसिल करोगे 16 वन जा 16 16 टू जा 32 टू सेवन जा 14। बेटा जो आपकी x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 7 सेंटीमीटर राइट। अब बेटा आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी एसी और एबी। बेटा अगर आप एसी को देखते हो तो एसी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एक्स और एबी की वैल्यू बेटा 8 प्लस एक्स राइट। मीन्स Now, AC is equal to what? 6 plus X. और X की वैल्यू कितनी है बेटा 7. तो ये हो गया बेटा 13 सेंटीमीटर. बेटा AB is equal to 8 plus X. ये हो जाएगा बेटा 8 plus 7. And it is equal to बेटा 15 सेंटीमीटर. ये बेटा आपका आंसर है. और आंसर चेक कर लेते हैं. Now you can see that बेटा जो आपकी वैल्यू आई है ए बी की वैल्यू कितनी आई है बेटा 15 सेंटीमीटर और ए सी की कितनी आई है 13 सेंटीमीटर। यही वैल्यू आई थी बेटा हमारी भी। You can see that ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा 13 और ए बी की वैल्यू कितनी है 15